माय डियर स्टूडेंट, आई एम आर के वर्मा। आज आप लोगों का आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर, इसका हम सिलेबस आप लोगों को बताएंगे। इसमें फर्स्ट पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये आपका फर्स्ट पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये पेपर जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पेपर को जो है चार यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट इसका है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ का जो है सिस्टम से या सिस्टमेटिक रूप से यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन करें, या एक क्रमबद्धता की बात की जाती है, जिसमें आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। कई साइंटिस्टों के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है प्लांट का, उसमें जो है ये चीज़ आपको बताया गया। जैसे उसमें जो है हचिंसन है, बेंथम हुकर्थ हैं, और भी वैज्ञानिक्स हैं। तो इन सब के द्वारा जो है क्या किया गया है कि इसका जो है मतलब प्लांट का जो है आप डिवीज़न किया गया है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जब डिटेल में हम यूनिट का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस किस साइंटिस्ट के द्वारा किस किस प्रकार से नेचुरल दिया गया, फाइलोजेनी दिया गया है, या आर्टिफिशियल टाइप क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो जो चीज़ें दी गई हैं हम उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत करेंगे। सेकेंड यूनिट आती है टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ फैमिलीज। जो प्लांट को फैमिली में डिवाइड किया गया है, उन फैमिलियों का जो है टेक्सोनॉमिक रूप से जो है हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। टेक्सोनॉमिक, या आप ये कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक का मतलब होता है आपका एक अरेंजमेंट, यानी एक जो है जिस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के क्रम में जो है उनको एडजस्ट किया गया, और उसी क्रम में हम जो है इनका क्या करेंगे, इन फैमिलियों का जो है अध्ययन करेंगे, और फैमिली के जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका तीसरा टॉपिक है एक्सटर्नल या बाह्य मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी ऑफ वेजिटेटिव, यानी प्लांट के जो है बाह्य पार्ट का, या आप ये कह सकते हैं रूट स्टेम लीप्स का हम जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, बाह्य रूप से उसकी आकार की देखेंगे, और जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन, फ्लोरल पार्ट जो होते हैं, यानी जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं उनका लीप्स है, उनका जो है स्टेम्स है, तो इन सब का जो मॉडिफिकेशन होता, तो मॉडिफिकेशन होकर के कुछ जो है अलग अलग टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे फिलोड, कैलोड, ये सब चीज़ें जो फॉर्मेशन होता है, तो उस सब फॉर्मेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे यूनिट थर्ड में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट्स का पूरा जो है किस प्रकार से जो है मेल और फीमेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस चीज़ का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे यूनिट फोर्थ में। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जो है टैक्सोनॉमी पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है बॉटनी का, या आप ये कह सकते हैं कि बॉटनी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो है इनफ्लोरिसेंस, यानी फ्लोरिसेंस प्लांटों का जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसमें जो है जैसे यह टैक्सोनॉमी में हम नामनक्लेचर, इनका जो है रिप्रोडक्शन या क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी के थ्रू। यानी आप ये कह सकते हैं टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डेल्स
विद आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सेकेंड नामन क्लेचर एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी टैक्सोनॉमी जो है बॉटनी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम प्लांट का जो है आइडेंटिफिकेशन, नामन क्लेचर यानी उनका नामनेशन किस प्रकार से किया गया है और उनका क्लासिफिकेशन, उनका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, उस चीज़ का जो है अध्ययन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो फॉर्मेशन हुआ ये ग्रीक वर्ड से जो टैक्सोनॉमी लिया गया है। आप ये जैसे पहले जो है हमारे विश्व की जो भाषाएं थी, जिस समय टैक्सोनॉमी का जो है खोज किया गया था उस समय विश्व की भाषाएं ग्रीक लैटिन ये भाषाएं थी, तो उन्हीं वर्ड से लिया गया है। जैसे इसमें टैक्सोनॉमी आपका टैक्सस फार होता है आपका एक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट और नॉमस नॉमस फार होता है ला, यानी टैक्सस शब्द से लिया गया या टैक्सस वर्ड से, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के टैक्सस शब्द से लिया गया, जिसका जो है इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो अरेंजमेंट, यानी किसी चीज़ का जो है अरेंजमेंट करना या किसी चीज़ को जो है व्यवस्थित करना, और किसके थ्रू, ला के थ्रू, यानी एक ला के, एक नियम के या एक जो है मतलब क्रमबद्धता रूप में किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। तो प्लांट का जो हम अध्ययन करते हैं तो प्लांट का अध्ययन जो प्लांट को जो है एक प्रकार से इनके जो है एक बेस बना करके, यानी एक आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंडीशन को जो है बेस्ड मान करके उन्हें जो है एक जो है सिस्टमेटिक पोजीशन में जो है क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो ये जो है इसीलिए इसे टैक्सोनॉमी कहा गया है। और आपका जो टैक्सोनॉमी टर्म दिया गया है, टर्म टैक्सोनॉमी टर्म डी कैंडोले नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। टैक्सोनॉमी टर्म किसके थ्रू दिया गया है, डी कैंडोले, यानी टैक्सोनॉमी टर्म आपका ये थे टर्म ऑफ टैक्सोनॉमी, या आप ऐसे टर्म, ये टैक्सोनॉमी टर्म आपका किसके थ्रू दिया गया है, ए पी डी कैंडोले, डी कैन डोले, यानी ये साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा जो है टर्म यूज किया गया टैक्सोनॉमी। और ये 1813 में यूज किया गया था टैक्सोनॉमी टर्म। और टैक्सोनॉमी को जो हम सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक बॉटनी। क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी को हम एक प्रकार से सिस्टमेटिक बॉटनी भी कह सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक बॉटनी को ही हम टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बॉटनी का या प्लांटों का जो अध्ययन किया गया है वो टैक्सोनॉमी के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक बॉटनी। और फिर कई टाइप्स के आपके टैक्सोनॉमी होते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी को जो है आप ये कह सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं, पहला पॉइंट फर्स्ट अल्फा टैक्सोनॉमी, किस चीज़ की बात करते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा
अल्फा टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, यानी टेक्सोनॉमी की जो है, जो टेक्सोनॉमी का ऐसा ब्रांच आप ये कह सकते हैं, इस ऐसे टाइप का टेक्सोनॉमी जिसमें जो है प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन बताया गया हो। क्या क्या बताया जाता है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। यानी टेक्सोनॉमी का ऐसा या ऐसे टाइप का टेक्सोनॉमी जिसके अंतर्गत प्लांट का सिर्फ क्या बताया जाता है, उसके अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन, यानी उसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि किस प्रकार का प्लांट है या किस जो है क्लास का है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या है, ये सब चीज़ें जो मतलब क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो है मतलब इसमें दिखाया जाता है। तो ये अल्फा टेक्सोनॉमी इसे कहा जाता है। और सेकंड है आपका बीटा टेक्सोनॉमी, सेकंड बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी ये ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच के थ्रू प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जेनेटिकल या आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सब चीज़ें, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं या उसमें जो है जो उसके जो पार्टिकल्स किस प्रकार से, या उसके ब्रांच या उसके जो पार्ट जो होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स कैसे जो मॉडिफाई हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, तो यानी टोटल पार्ट आप ये कह सकते हैं कि टोटल पार्ट जो है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जेनेटिकल मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, फाइलोजेनिकल, फाइलोजेनिकल, फाइलोजिकल एंड, या जिसमें जो है अनेक प्रकार के जो मतलब फाइलोजेनी का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम बीटा टेक्सोनॉमी के, यानी प्लांट में यदि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो देख रहे हैं, जेनेटिकल उसका देख रहे हैं, जेनेटिकल फीचर्स देख रहे हैं, आनुवंशिकी देख रहे हैं, एनाटॉमिकल की बात करते हैं, एनाटॉमी या उसका जो है आंतरिक स्ट्रक्चर या उसका जो है डिस्क्रिप्शन करके उसके सेल के जो है अध्ययन होते हैं, जो सेल का जो है उसमें अरेंजमेंट होता है, साइटोलॉजिकल यानी सेलुलर रूप से, फिर फाइलोजेनिकल यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं फाइलोजेनी का मतलब होता है कि उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्ययन। तो ये दूसरे टाइप का हमारा था बीटा टेक्सोनॉमी। तीसरा जो है, तीसरे टाइप का हमारा है नेक्स्ट आपका है ओमेगा, ओमेगा टेक्सोनॉमी। यानी टेक्सोनॉमी का ऐसा ब्रांच जो सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन पर, सिर्फ जो है प्लांट के इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। किस चीज पर? इन्फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं कि प्लांट को यदि इन्फॉर्म करता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो हमने आपको जो है तीन टाइप्स के टेक्सोनॉमी बताए थे,
कि जो है एक आपका अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसमें जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आपको बताया गया। सेकंड आपको बीटा टैक्सोनॉमी हम बताए थे, तो बीटा टैक्सोनॉमी में आपको ये चीज़ बताया गया कि उसमें जो फाइलोजेनी, जेनेटिकल या फिर जो है उसका मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, तो सभी स्ट्रक्चर्स जो सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उन सब चीज़ों को हम किसके अंतर्गत करते हैं, बीटा टैक्सोनॉमी के। और यदि हम आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, बताते हैं, तो उसे ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।